रायबरेली के महाराजगंज क्षेत्र के केल गांव का इतिहास बड़ा ही गूढ़ और मार्मिक है। प्राचीन काल में कन्नौज के राजा जयचंद का अवध प्रांत में राज्य था। चिंकी राजधानी कन्नौज होने के नाते यहां के सेनापति थे जिनका नाम कैमाशराय था और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज के सेनापति का नाम चामुंडराय था। कैमाशराय और चामुंडराय में घनिष्ठ मित्रता थी। जयचंद्र नरेश ने जब अपनी कन्या संयोग्यता का स्वयंवर किया तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद नरेश की पुत्री संयोग्यता को स्वयंवर से जबरन युद्ध में जीत कर उठा ले गए। इस दौरान दोनों राजाओं की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में पृथ्वीराज की सेना विजयी हुई। बताते हैं कि इस युद्ध में हारना सेनापति कैमाशराय की कमजोरी थी। वह इसलिए कि पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडराय ने इस योजना के बारे में कैमाशराय को पहले से ही बता दिया था। कैमाशराय की सेना और चामुंडराय की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध लड़ा गया, लेकिन फिर योजनाबद्ध तरीके से कैमाशराय को यह युद्ध में हारना पड़ा। आपको बता दूं कि क्षेत्र के संभ्रांत वयोवृद्ध इतिहास की जानकारी से परिपूर्ण के गांव निवासी समर बहादुर पांडे आगे बताते हैं कि बाद में जब कन्नौज के राजा जयचंद्र को इस बाबत पता चला कि उनके ही सेनापति छल किया गया और सेनापति के ही द्वारा रचाए गए खेल में उनकी पुत्री को स्वयंवर से पृथ्वीराज उठा ले गए हैं, तो उन्होंने अपनी सेना को कैमाशराय पर आक्रमण कर मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। प्राचीन काल में केल गांव को यहां के सेनापति के नाम से कैमाशगढ़ के रूप में जाना जाता था और कैरेश्वर महादेव यहां के सेनापति कैमाशराव के इष्ट देवता थे। जब कन्नौज के राजा ने अपनी सेना को यहां आक्रमण के लिए भेजा तो मृत्यु के भय से कैमाशराव ने अपने आप को बचाने के लिए किले में बने पीछे के दरवाजे से निकल कर दिल्ली चला गया और पृथ्वीराज के पास शरण ले ली। तत्पश्चात जयचंद्र ने किले को धाराशाही करवा कर मलबे में तब्दील कर यहां आबादी बसा दी और इस गांव का नाम कैमाशगढ़ से काया रखवा दिया। इसलिए कि यहां के सेनापति वीरतापूर्वक जयचंद की सेना से युद्ध ना करके कायरों की भांति पीछे के दरवाजे से भाग निकला था, जो काया गांव के नाम से जाना जाने लगा। समर बहादुर पांडे आगे बताते हैं कि मुगल काल में औरंगजेब के द्वारा मूर्ति को तोड़कर मंदिर को विध्वंस किया गया, जिसके निशान मूर्त में आज भी विद्यमान है। श्री पांडेय बताते हैं कि औरंगजेब की सेना द्वारा मंदिर विध्वंस और मूर्ति पर प्रहार कर तोड़ने तक तो भोलेनाथ चुप रहे, लेकिन जैसे ही क्रूर सेना द्वारा गांव को लूटा जाने लगा तो शंकर जी की कृपा से मंदिर के स्थान से हाड़ा, जिन्हें बर्रोबा कहते हैं, निकले और अपने डंकों से प्रहार कर शाही पलटन को नदी के पार खदेड़ दिया। इसके बाद मंदिर नष्ट हो गया। बताते हैं कि नवाबी हुकूमत में नवाबों के सिपही सलाहकार राजा मानसिंह अयोध्या हुए तो उनके द्वारा पुनः मंदिर का भव्य निर्माण करवाया गया और शंकर जी की टूटी हुई मूर्ति को गांव के ही लोहार विश्वकर्मा ने ताम्रपत्र तामा से लगाकर जोड़ दिया, जो मूर्ति में आज भी विद्यमान है। जिसके बाद भोलेनाथ ने स्वप्न में वरदान दिया कि फालिस के मध्य में मंदिर परिसर में लगे वृक्ष से लोहार परिवार का कोई भी सदस्य दवा जरूर दे देगा तो रोगी का मर्ज ठीक हो जाएगा। तब से आज तक यह प्रथा चली आ रही है, जिससे दूरदराज से आने वाले लाखों रोगी लाभान्वित हुए हैं, जिनका नाम इस मर्ज से संबंधित लोहारों के यहाँ बने दस्तावेज में आज भी दर्ज है। श्री पांडेय बताते हैं कि नवाबी काल में जगन्नाथ नाम का एक वैश्य बनिया हुआ, जो लखनऊ के डालीगंज में रहता था और पैतृक गांव केल था। जब नवाबी काल में हिंदू मुसलमान राइट हुआ तो उसे मारा गया, जिसके बाद उसने शंकर जी की स्तुति की कि अगर वह ठीक हो जाएगा तो केल गांव में स्थित शंकर जी के दर्शन करेगा, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे वह पहले की भांति ठीक हो गया। तत्पश्चात उसने कई गांव स्थित कैरेश्वर महादेव मंदिर का रंग रोगन भव्य जीर्ण। समर बहादुर पांडे और क्षेत्रवासियों के मुताबिक यहां कैरेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में साल में दो बार कजरी तीज और शिवरात्रि को हवन पूजन के साथ भव्य मेला लगता है, जो अपने आप में अद्वितीय है। श्री पांडे आगे बताते हैं कि जगन्नाथ वैश्य बनिया द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद अब इस मंदिर की देखरेख मंदिर कमेटी सहित ग्रामवासी व ग्राम प्रधान रखते हैं, जिनके द्वारा समय समय पर मंदिर की रंगाई पुताई तथा मरम्मत का कार्य कराया जाता है। केल गांव निवासी समर बहादुर पांडे और ग्रामवासी बताते हैं कि केल गांव के चारों तरफ सात सतियों के चौरे विद्यमान हैं, जो सदैव गांव की रक्षा करते हैं। बताते हैं कि कन्नौज के राजा जयचंद ने जब यहां आक्रमण किया तो कैमाशराव किले के पीछे वाले दरवाजे से भागकर दिल्ली में पृथ्वीराज के यहां शरण ली थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिए गया। उस काल में सती प्रथा होने के कारण स्त्रियां अपने पति के मरण उपरांत उनके साथ सती हो जाया करती थी, जिनके चौरे गाँव की सभी दिशाओं में विद्यमान है, जिनकी ग्राम वासियों द्वारा पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जो फलीभूत होती है। यही सती के चौरे विपत्ति के समय गांव की रक्षा करती हैं। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की यह विशेष रिपोर्ट।
दादा अपना नाम बताएं सबसे पहले। अमर बहादुर पांडे जी, ग्राम कायर जी, पोस्ट माउंट जिला राजगढ़ जी। अच्छा, ये जो कैरेश्वर मंदिर बना हुआ है कैर में, तो क्या इतिहास है इसका, हमारे दर्शकों को बताएं आप। इस मंदिर का इतिहास जो है, प्राचीन काल में ये अवध प्रांत जो है जयचंद्र नरेश कन्नौज की राज था यहाँ पर जी। उनकी राजधानी कन्नौज थी जी। इनके सेनापति का नाम था कैमास राय और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दिल्ली के नरेश थे, उनके सेनापति का नाम था चामुंड राय जी। चामुंड राय और कैमास राय में परम मित्रता थी। जयचंद नरेश जब अपनी कन्या संयुक्ता का स्वयंवर किया तो उसमें पृथ्वीराज चौहान ने उनकी कन्या को स्वयंवर से अपहरण कर लिया, घोड़े बिठा करके लेकर के दिल्ली चले गए। युद्ध हुआ, युद्ध में सबको परास्त कर दिया उन्होंने पृथ्वीराज ने। और ये सेनापति की कमजोरी थी क्योंकि चामुंड राय कैमास राय से कह दिया था कि आप जरा सतर्क कम रहना, हमारे नरेश को ले जाने दो कन्या को जी। तो उसी बाद में जब जयचंद्र नरेश इस बात को जाना कि हमारे सेनापति ही ने ये सारा खेल रचाया है तो उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। ये कैमास गढ़ है जी। इसका नाम था पहले कैमास गढ़, कैर का नाम, कैर का जी। अब ये कैरेश्वर बाबा उन्हें कैमास राय के जी पूज्य देवता है जी जी। तो यहाँ आ करके उन्होंने, मगर कैमास राय जो है पीछे थे, मैंने फाटक से न निकल करके पीछे से निकल करके दिल्ली चले गए, भाग गए। पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र ने इसका किला गिरा दिया और यहाँ पर आबादी बसा दी। उसका आबादी बसाने के बाद गांव का नाम धर दिया कायर जी। लेखो में हमारे गांव का नाम कायर है, कायर तब से कायर इसको कहा जाता जी। उसके बाद मुगल पीरियड में औरंगजेब द्वारा ये मंदिर गिराया गया, मंदिर मूरत तोड़ी गई, इसमें सब निशान बने हुए हैं मूरत में। तब तक भोलेनाथ नहीं बोले, जब गांव को लूटने लगे सेना उनके फौज, तब जो है इसमें से वही बड़े बड़े हाड़ा निकले हैं जिसको बर्रउआ कहते हैं जी, निकल करके शाही पलटन को नदी उस पार कर दिया, जो हमारे गांव के किनारे नदी है शाही पलटन उस पार कर दिया जी। और उसके बाद ही मंदिर पराग विधान हो गया था, गिर गया था, कोई जानता नहीं, वो इतिहास इसका खत्म हो गया। फिर राजा मान सिंह के वक्त में जब नवाबों के ये सिपाशालार थे राजा मान सिंह अयोध्या के, उनके समय में फिर मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार किया गया, मंदिर बनाया गया है जी। और इसमें शंकर जी की मूर्ति जो है हमारे गांव के लोहार विश्वकर्मा, उन्होंने इस पत्र भीतर ताम का पत्र लगा करके जोड़ दिया, ताम पत्र लगा कर, ताम पत्र इसमें लगा हुआ है मुहूर्त में जी। तो भोलेनाथ उनको फिर वरदान दे दिया सपने में, किसको, लोहारों को जी, कि आपके परिवार में कोई भी जड़ी यह जो है इसकी जड़ दे देगा फाल्स की दवा में तो आदमी एकदम चंगा हो जाए। आज भी उनके यहाँ दवाई दी जाती है फालिस की, फालिस की जी। कैरेश्वर बाबा क्या करके दर्शन करें और उसके बाद में वहाँ लोहारों के यहाँ जाकर के दवाई दें तो आदमी फिर दो चार महीने के बाद चंगा होकर के यहाँ लाखों आदमी आते हैं जी। अब बड़ी दूर दूर तक के आदमी आते, बम्बई तक के आदमी आते, उनके रजिस्टर में लिखा हुआ सबका नाम और सब नीक होकर के फिर जाते हैं कुछ दिन के बाद जी। तब से बना हुआ। उसके बाद नवाबी काल में फिर जगन्नाथ एक नाम का बनिया था हमारे गांव का, 22 जी, वो लखनऊ में रहता था, घर उसका कैर में था, पहले निकल गया यहाँ से, डालीगंज में उसका घर है। तो उसमें नवाबी काल में जब झगड़ा वहाँ हुआ हिंदू मुसलमान राइट, तो उसको मार दिया गया। तो वहीं तो उसने शंकर जी का प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, हमारे ऊपर आप कृपा कर देंगे, हम ठीक हो जाएंगे तो आपके दर्शन करेंगे। ठीक होने के बाद वो जो है
फिर आकर के यहाँ पर कजरी तीज का, और उसी के द्वारा मंदिर का यह रंगाई पुताई सुहाई जो अंदर की है उसके बाद तब से अब की गई है अब की साल में, और तभी से वो जो है कजरी तीज का हमारे यहाँ इसमें भव्य पूजा होता है जी। और उसके बाद में फाल्गुन में शिवरात्रि के समय यहाँ भी मेला लगता है, और बड़ी दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं शंकर जी के दर्शन के लिए, और शंकर जी जो है मूर्ति आदि है निकली हुई मूर्ति है, तो स्थापित की हुई मूर्ति नहीं है जी। लगभग कितने वर्ष हो गए इस मंदिर की स्थापना को? बताया तो राजा मान सिंह के टाइम में। लगभग कितने वर्ष हो गए? लगभग कम से कम यहाँ समझिए कि 400 वर्ष तो जरूर 500 हो गए। 400-500 वर्ष। अच्छा, इस समय जो जीर्णोद्धार मंदिर का करवाया गया, बड़ा भव्य मंदिर लग रहा है, तो ये किसके द्वारा करवाया गया? गांव के ग्रामवासियों द्वारा सब कराया गया जी। पूरा गांव का सहयोग है, सबके देवता है पूरे गाँव के जी, और ग्रामवासी लोग उसमें जी मदद करते हैं जी, पूजा अर्चना करते हैं। पर ये जो इसमें शिलापट लगाया गया है, इसमें जो दानदाताओं के नाम लिखे गए हैं, इस दान से तो नहीं लग रहा कि इसका जीर्णोद्धार हुआ है? इसमें पैसा और लगा है, तो वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा इनके शंकर जी के पास जमीन है जी। कितनी जमीन है इसमें? दो बीघे। कौन उसकी देखभाल करता है? उसकी देखभाल ग्रामवासी करते हैं जी जी जी। तो कमेटी है जी जी जी, कमेटी वाले लोग मृत्यु हो चुकी है, मगर दूसरी कमेटी बनेगी, गांव वाले सब पूरा उसका देखभाल करते हैं जी, ग्राम को प्रधान करते हैं। कई बार मैं ग्राम सभा आया और इस मंदिर पे आया, अभी बीच में यहाँ मेला भी लगा हुआ था, तो जानकारी में आ रहा है कि यहाँ हमने हमेशा देखा है कि ग्राम प्रधान जी इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए तन मन और धन से लगे रहते हैं, तो ग्राम प्रधान से संतुष्टि है आपको? हाँ, ग्राम प्रधान संतुष्टि, जो भी प्रधान होता है जी वो शंकर जी के सेवा सब प्रधान करते हैं जी। तो ये कर रहे हैं कि नहीं इस समय? ये कर रहे हैं जो मौजूदा है। हाँ, कर रहे हैं। इनसे संतुष्ट है ग्रामवासी? इनसे इन्हीं की प्रेरणा से सब भव्य बना हुआ है जी जी जी। हाँ, जी। और कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? और यह है कि शंकर जी पूजनीय है जी, शंकर जी हर आदमी का भला करते हैं जी, कष्ट निवारण करते हैं। थैंक यू। महाराजा जयचंद जब यहाँ पर आक्रमण किया है जी, तो राजा कैमासराज तो यहाँ भाग गए थे, भगोड़े हो गए थे जी, परंतु यहाँ के जो सेनापति थे उनकी फौज के मालिक थे, यहाँ की फौज सब लड़ी है, लड़ने के बाद उस काल में सती प्रथा थी जी, औरतें अपने पति के साथ सती हो जाती थी जी, जी के बाद जी, तो हमारे गांव के चारों तरफ कम से कम 7-8 सतियों के चौरा भी मौजूद हैं जी, और वो सबके भला भी करते हैं, वहाँ भी पूजा अर्चना हर सती चौरा पर होता है जी। एक जैसे सती चौरा है हमारे गांव के उत्तर में, एक गांव के करीम में है जी, एक गांव के पक्षों में मेहंदी भी बाबा बाजे जाते हैं जी, एक दक्षिण तरफ नदी के किनारे मरी माता कही जाती हैं, एक कैरेश्वर बाबा के पीछे सती चौरा है जी, और एक कटरा गांव के पक्षों में है नदी किनारे, वो भी ये सब सतियों के चौरे हैं जी जी जी। थैंक यू।